प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है, देखिए 60 और 70 पैसे के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर इसने एक नया अपमूव दिखाया है। आज 80 पैसे पर बंद हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 5G के लिए एडवांस मैकेनिक्स के थ्रू रोल आउट के प्लान चल रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को मिलेगा, जिसमें जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ऊपर है। कंपनी ने काफी बड़े लेवल पर अपने 22 से ज्यादा टेलीकॉम सर्कल्स में अपना सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है और हर सर्कल में 30,000 से ज्यादा इनके टावर्स अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से ये 5G के लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट रहेगा। ओवरऑल कंपनी की अगर बात करें तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, और 28,000 टावर से ज्यादा इनके पास टावर हैं यहां पर। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हमारे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम रीजन है सब में ये ऑपरेट करती है, और ओवरऑल यहां पर डेप्ट इनका हाई होने की वजह से एक्सपेंसेस इंटरेस्ट कॉस्ट में ज्यादा जा रहे थे, जिसकी वजह से कैश फ्लो नेगेटिव है कंपनी का। डिमांड मोबाइल सर्विस की कंटिन्यू इंक्रीज रहेगी और जिसके चलते हुए 5G पर डिमांड बढ़ेगी, और ये इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 5G में इंप्रूव करने के लिए इस स्टॉक को। अगर लेटेस्ट खबर की बात की जाए तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा अहमियत दिया है, और जिसके चलते हुए इस तरह के स्टॉकों को जो लो लेवल पर है 1 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऊपर जाने के लिए। 5G की तरफ से अगर देखा जाए तो 5G में बिजनेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे यूज केस बढ़ेंगे वैसे वैसे, ये सिर्फ स्पीड का गेम नहीं है, ये बहुत बड़े यूज केसेस का डिमांड है, बिजनेस की डिमांड रहेगी तो ये आगे चलकर कंपनी को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। 4,700 करोड़ का जो बैंक फ्रॉड का था 2009 और 2012 के केस में, उसकी वजह से इस स्टॉक ने थोड़ा सा प्रेशर दिखाया, 1.20 रुपए से गिरकर ये 60-70 पैसे तक चला गया और वो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है हमारे हिसाब से। अब देखिए ओवरऑल यहां पर 80 पैसे के ऊपर चल रहा है तो ये क्लियरली जो 70-75 पैसे के आसपास सपोर्ट बना के आया है लॉन्ग टर्म के लिए, इसका बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल सपोर्ट रहेगा। कंपनी ओवरऑल एनसीएलटी ने इन्होंने बैंकरप्सी को डिसरप्ट कर दिया है, कहा है कंपनी कैन इजीली टर्न अराउंड द थिंग्स, जिस तरह से वो पेमेंट कर रहे हैं अपना। यहां पर डायरेक्ट किया है अप्रॉक्सिमेटली 900 करोड़ को कॉर्पोरेट डेप्टर हैज बीन पेंडिंग ऑन अपील, मोरओवर द कॉर्पोरेट डेप्टर हैज to recover 49 crore from Tata Teleservices, 20 crore from ATC and 351 from BSNL in pending arbitration proceeding. तो उस हिसाब से इनके पास में दूसरे लोगों से पैसा भी आना बाकी है जो इनकी डेप्ट को फर्दर कम कर सकता है। ओवरऑल रेवेन्यू देखा जाए तो पिछले 4 सालों से रेवेन्यू फ्लैट है, बट 5G के यूज केसेस के बेसिस पर इसका रेवेन्यू काफी अच्छा मोमेंटम हो सकता है, पॉजिटिव तरह से चल सकता है। अर्निंग की देखी जाए तो अर्निंग भी यहां पर हमारे हिसाब से एक पॉजिटिव ग्रोथ में बन सकती है इसकी, अगर रिवेन्यू बढ़ने लगा। क्विटी का प्रॉफिट देखा जाए तो सेल्स जो है 359 करोड़ के आसपास थी यहां पर 371 करोड़ के मुकाबले, और लॉसेज जो है 463 करोड़ के थे कंपेयर टू 197 करोड़ के। शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो यहां पर जनरल पब्लिक के पास 41% है, इंस्टीट्यूशंस के पास में 53% की इसकी होल्डिंग है, और प्राइवेट कंपनीज को देखा जाए तो 5.3% के आसपास इनके शेयर है, इंडिविजुअल 0.7% के आसपास। आइए जरा चलकर सर टेक्निकल व्यू देखते हैं यहां पर अभी कंपनी क्या हो रहा है। कल बंद होते होते 80 पैसे के आसपास जाकर बंद हुआ है ये स्टॉक, काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा है लास्ट के 1 घंटे में, काफी तकड़ा वॉल्यूम रख के साथ बढ़ा है ये। तो देखिए यहां से पिछले 3 दिनों से इसने 60 पैसे का लो बनाया है और 80 पैसे के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जब भी स्टॉक को ऊपर जाना होता है, अगर ये वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव ट्रेड बनाता है तो क्लियर कट हमारे हिसाब से बहुत जल्द ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 1.20 रुपए का इसका करंट टारगेट है हमारे हिसाब से। बुलिश बैंड की तरफ से 88 पैसे का एक छोटा रेजिस्टेंस रहेगा, RSI 35 के आसपास, तो यहाँ पर पेमेंट काफी बढ़ी हुई है, थोड़ा कंसोलिडेशन करके चलेगा, एकदम इमीडिएटली फुल फ्लेज अपटिक पर नहीं जाएगा, इस बात को समझिएगा। मैकडी ने ऑलरेडी बाय सिग्नल इनिशिएट कर दिया है, और सुपर ट्रेंड को देखें तो 88-89 पैसे का एक रेजिस्टेंस है जो हमारे हिसाब से अगर चलना शुरू हुआ तो 2 दिन के अंदर ये तोड़ सकता है। RSI 52 ये पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है RSI यहां पर इसका, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं।